दोस्तों देख सकते हैं हम लोग पुलिस थाने में आए हैं कंप्लेन लिखाने। वो लोग जो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं मेरे बारे में ऐसा, आप लोग को लाइव में जो बताई हूँ वही। हाँ तो लोग मारी नहीं हूँ ना कुछ बोली हूँ, तो झूठ मूठ बोल रहे हैं। जो घर पे घुस के मारी हूँ मैं, उल्टा सीधा एग्ज़ाम लगा रहे हैं और मेरा बॉडी शेविंग करते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ इसीलिए कैसे उल्टा सीधा बोलता है, बोलते हैं वो कोठा खोल के रखे हैं ऐसा उल्टा सीधा सब कुछ बोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग स्टेशन में आए हैं, इधर महिला पुलिस थाना है इधर। तो दोस्तों थाने से आ गई हूँ दोस्तों, फिर घर पे हूँ। पुलिस वाले सब बोले हैं जो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे और जो जैसा है वैसा बनना पड़ेगा तुमको, ना सुनोगे और ना देखोगे। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करोगे, उसके बाद देखा जाएगा। सब कंप्लेन लिखा दिया हूँ, कंप्लेन बोलते हैं ना क्या बोलते हैं कंप्लेन। मैं तो कभी दोस्तों कभी गई नहीं हूँ पुलिस थाने वाले, कभी जिंदगी में गई नहीं हूँ। जाने के बाद सही में बहुत सुकून मिला है मेरे को, बहुत अच्छा लगा है। मैडम लोग थे बहुत अच्छे थे, एकदम अच्छा से बात किए हैं मेरे से और बोले हैं हर चीज़ का सुविधाएँ लिखे हैं अपना डायरी में। एक से जगह तीन जगह लिखे हैं मेरे बारे में और सब कुछ मैडम सुन के गए थे। दूसरा मैडम फिर से सुने हैं, दोबारा करके मेरे को बताना पड़ा है, सब कुछ बताई हूँ और मैडम सुन के गया है हाँ या ना, जवाब दिया है हर चीज़। वो लोगों का नंबर मांग रहे हैं तो भी नहीं दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन परेशान करने के पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं मजबूर होके किया हूँ ये सब, नहीं तो मैं नहीं करती। मेरा ऐसा इरादा नहीं था जो किसी के बारे में ऐसा कुछ करूँ। तो दोस्तों इतने ही हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे को। देख रही है वीडियो बनाने के लिए ये सब हो रहा है, वीडियो बनाती हूँ इसीलिए सब पीछे पड़ जाते हैं, किसी को देखा नहीं जाते हैं। तो दोस्तों बॉडी शेविंग करते हैं, जानते हैं आप लोग जानते होंगे जो बॉडी शेविंग करना कितना गलत बात होते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। हाँ झगड़ा लड़ाई वो अलग बात होते हैं, बॉडी शेविंग अलग होते हैं, उसके बारे में केस होते हैं। फिर भी मैं कभी सोचा नहीं था ये केस करूँगी, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये रूम के अंदर घुस के मार के गए हैं ऐसा मैडम लोगों के सामने बोल रहे हैं, इसीलिए मैडम बोले जो चलो थाने पर चलो, हाँ डायरी लिखाना पड़ेगा। तो मैं तो तैयार हूँ, मैं गलती नहीं किया हूँ तो मैं तो जाऊँगी ना दोस्तों, इसीलिए मैं चली गई हूँ, लिखा दिया हूँ डायरी। वो लोग गए भी नहीं हैं, अपना नंबर मांग रहे हैं तो भी नंबर नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा बार कुछ होगा तो देखा जाएगा, वो लोग उठा के ले जाएगा बोल दिए हैं। तो दोस्तों इतना ही तक, आप लोग हेल्प कीजिए। वो लोग कुछ करेंगे तो क्या, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, जानती पहचानती, उसका नाम तक नहीं जानती हूँ दोस्तों। हाँ मैडम आके पूछे हैं तभी बताए हैं तो सुनी हूँ, नहीं तो कभी नाम भी किसी का नहीं जानती हूँ। फिर भी पीछे पड़ जाते हैं, गांव का औरत है तो गांव की तरह ऐसा व्यवहार करेगा तो चलेगा, थोड़ा अच्छा से व्यवहार करे सबसे। तो दोस्तों मेरे को मैडम बोले है किसी का बात सोचना नहीं, जो जैसा करेंगे वैसा जवाब देना उल्टे पलट के। हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो जैसा करेंगे उसके साथ वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो खुद तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। मेरे को ऐसा करके समझे, सच में दोस्तों मैं रात भर रोई हूँ। आप लोग को लाइव किया हूँ, लाइव वीडियो में तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो देख लीजिएगा लाइव किया हूँ। हाँ मैं रोना मेरा बंद नहीं हो रहा था, कभी मेरे को घर का लोग ऐसा नहीं बोले हैं दोस्तों। हाँ मेरा हस्बैंड कभी मेरा बॉडी शेविंग नहीं किया है, और वो कौन होते हैं मेरा बॉडी शेविंग करने का। हाँ इसीलिए मेरे को बहुत बुरा लगे हो दोस्तों, गाली गलौज वो बात अलग होता है लेकिन ये बात अलग होता है, इसीलिए मैं किया हूँ दोस्तों ऐसा। देख रही हूँ किसी को बोल के मदद नहीं मिल रहे हैं तो मैं पुलिस को फ़ोन किया हूँ लेडीज़ थाने पे, इसीलिए वो लोग मेरा मदद किए हैं। उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत अच्छे है पुलिस है इसीलिए दुनिया चल रहे हैं, नहीं तो नहीं चलती।